अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोडर प्रोडक्ट्स की जानिब से आज की वीडियो में हम आपको एक ब्लू पार्ट का सेट दिखा रहे हैं, जिसमें एक ब्लू पार्ट का मेल है और उसके साथ दो फीमेल है। एक ब्लू पार्ट की फीमेल है जबकि दूसरी उसमें ब्लू पार्ट की फीमेल है। ये एक ऐसा ब्रीडर सेट है जो कि ब्लू और वाइट के कम्बिनेशन से एक नेक्स्ट उनकी जनरेशन निकली हुई है। ये इसकी बहुत खूबसूरती होती है, बाकी बरक्स ब्लू और वाइट की निस्बत ये इसकी म्यूटेशन है। इसके कलर डिफरेंट होते हैं और इसकी खूबसूरती का हिसाब इसके कलर कम्बिनेशन के हिसाब से लगाया जा सकता है। जुड़े रहिए हमारे वीडियो से। इसमें हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए इसमें एक मेल है और जबकि फीमेल इसकी एग लेइंग के लिए बैठी हुई कॉर्नर में, आप देख सकते हैं फीमेल कॉर्नर में बैठी है। ये ब्लू की फीमेल है जबकि इसके साथ की फीमेल खड़ी है। तो अब दिखाते हैं उसने एग दिया है या नहीं, देखते हैं। डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है इनको नहीं, अब एग नहीं दिया है। शाम टाइम आपको पता है कि जब ये एग लेइंग इसका टाइम होता है, ये बिफोर मगरिब प्रेयर ये एग लेइंग करती है, इसकी फीमेल है। और दिन के टाइम बहुत की कम ही एग लेइंग करती है, इनका एग का टाइम मोस्टली इवनिंग टाइम होता है जब ये एग देती है। तो इस वक्त इनका सीजन का एंड है, आप देख सकते हैं ये अपने पार गिरा चुके हैं। ये इसके केज में देख सकते हैं चारों तरफ इनके पार बिखरे हुए हैं, इनकी टेलिंग गिर चुकी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल कोटा दू पेट्स को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। इसके बाद आपको बताता चलूँ कि पाइड की खूबसूरती, पाइड जितना इसमें वाइट का कंट्रास्ट ज़्यादा होगा पाइट पिकॉक की उतनी खूबसूरती ज़्यादा होगी। और इसकी टेल में जितने कलर्स वाइट के ज़्यादा होंगे उसकी निस्बत अगर ब्लैक और ब्लू के पार उसकी टेल में कम होंगे तो उसकी खूबसूरती उतनी ही ज़्यादा होगी और उसकी मार्केट वैल्यू बाकी तमाम मोड से उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। और जो ये पाइट आप देख रहे हैं ये वहद ऐसा ही कलर है जिससे आप बाकी तमाम बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये जो सामने आप पेयर देख रहे हैं सेट, इससे वाइट के चिक्स भी निकलते हैं, ब्लैक के भी निकलते हैं, ब्लू के भी निकलते हैं और पाइट के भी अच्छी अच्छी म्यूटेशनें इससे निकलती हैं। और इसलिए पाइट की मार्केट वैल्यू ब्लैक ब्लू और बाकी तमाम पेकॉक से बहुत ज़्यादा है, जबकि एमरेट और ग्रीन जावा की तो वैसे सबसे ज़्यादा कीमत है, उसके बाद इनकी कीमत आती है पाइट पिकॉक की। और इसका कलर कम्बिनेशन जितना अच्छा होगा इसकी मार्केट वैल्यू इतनी अच्छी होगी। उसके बाद इनकी खुराक की बात करते हैं तो इनको मिक्स सीड डालें जो कि इनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा अगर आप इसको फीड भी डालें तो वो भी इसके लिए मुनासिब है। और इसके बाद इनकी हेल्थ केयर के बारे में बात करते हैं तो इनमें बीमारी, इनमें बाकी मोर की तरह इनमें कुरीजा का इनको भी सामना करना पड़ता है, जिनके लिए इनकी अच्छी हेल्थ और सफाई का ख़ास ख्याल किया जाए तो जिसकी वजह से कुरीजा की बीमारी से ये बच सकते हैं। और इन्हें ओपन माहौल में छोड़ा जाए तो ये ज़्यादा बेहतर रहते हैं। और इनके लिए केज की बात कीजिए, इनके लिए केज का साइज 10x10 इज यूनिवर्सल साइज़ है इनके लिए केज का। तो आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं, फिर मिलेंगी नई वीडियो के साथ। कोटा दू पेट्स।